मंडी जिला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में एक नया आयाम जोड़ते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर बालिका गौरव उद्यान योजना शुरू की जाएगी। ये जिला प्रशासन का बच्चियों की सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज में संवेदनशीलता बढ़ाने का एक और अभिनव प्रयास है। अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि ये योजना जिला में लिंगानुपात में सुधार के साथ साथ प्राकृतिक असंतुलन ठीक करने में सहायक होगी। अगले कुछ दिनों में योजना शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए जमीनी स्तर पर पूरी तैयारी कर ली गई है। आशुतोष गर्ग ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के कार्यान्वयन के लिए गठित जिला टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बालिका गौरव उद्यान योजना के तहत जिला प्रशासन हर पंचायत में बेटियों के नाम पर उद्यान स्थापित करेगा। इसके तहत हर पंचायत में निर्धारित स्थल पर संबंधित पंचायत के सभी बच्चियों के अभिभावक बेटियों के नाम पर पौधे लगाएंगे। इसमें संबंधित BDO, बाल विकास परियोजना अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाएगा। इस प्रकार विकसित उद्यानों की देखरेख ग्राम पंचायतें मनरेगा के तहत सुनिश्चित करेंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य जिला में लिंगानुपात में सुधार लाना और बच्चों की सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज में संवेदनशीलता बढ़ाना है। इसके लिए सामाजिक सहभागिता की भावना को प्रगाढ़ करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा जिला में स्त्री कार्यक्रम के तहत भी महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। जनमंच कार्यक्रमों में प्रोत्साहन स्वरूप बच्चियों के अभिभावकों को बधाई पत्र व उपहार देने के अतिरिक्त एक बूटा बेटी के नाम मुहिम में बेटी के नाम पर पौधारोपण भी किया जाता है। आशुतोष गर्ग ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के माध्यम से समाज में बेटी व बेटों के बीच भेदभाव की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। जिला के जिन क्षेत्रों में लिंगानुपात में काफी अंतर है वहां कला जत्थों, आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र तोकता ने जिला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में चालू वित्त वर्ष के दौरान जिला कार्य योजना पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षु अजय कुमार यादव, जिला स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश ठाकुर, खंड विकास अधिकारी शेफाली सहित समस्त खंडों के बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। छोटी काशी मंडी में दर्जनों शिव मंदिर हैं। इनमें कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर पूरा साल धार्मिक गतिविधियां चलती रहती हैं। शायद यही कारण रहा है कि प्रदेश सरकार ने मंडी में शिवधाम स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिस पर काम शुरू हो चुका है। शिवों की इस नगरी में ब्यास घाट पर स्थित एकादश रुद्र महादेव मंदिर में धार्मिक आयोजनों की क्रमशः से अधिक है। लगभग पूरा साल यहां पर ऐसे ऐसे आयोजन होते हैं जो कहीं और देखने को नहीं मिलते। मंगलवार से श्रवण महीना शुरू होते ही यहां पर ओम नमः शिवाय का अखंड पाठ भी शुरू हो गया है, जो पूरा महीना चलेगा। इस मंत्र को लेकर विज्ञान भी मानता है कि इसके लगातार उच्चारण या जाप से शरीर के कई रोग खत्म हो जाते हैं। एकादश रुद्र मंदिर के महंत पुजारी स्वामी सतसुंदरम पिछले 47 सालों से लगातार इस मंदिर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 47 साल पहले जब वे इस मंदिर में आए थे तब ये परिसर बेहद दयनीय हालत में था। 7 साल बाद उन्होंने यहां पर श्रवण महीने में अखंड पाठ की शुरुआत करवाई, जो न केवल आज दिन तक जारी है बल्कि इसमें और कई नए आयाम जोड़े गए हैं। स्वामी सतसुंदरम ने अखंड जाप व इससे जुड़े कार्यक्रमों के 40 साल होने पर एक विशेष भेंट में बताया कि
पूरा एक महीना ये अखंड जाप चलेगा, जिसमें एक व्यक्ति एक घंटे 23 मई में लगातार जाप करेगा। दिन रात 24 घंटे में 24 लोग अपने अपने 23 मई में रोजाना जाप करेंगे। आपातकाल में ही इनका विकल्प लिया जाता है। उनका दावा है कि अखंड जाप में शामिल होने वाले कई लोग असाध्य रोगों से मुक्ति पाते हैं, नशे की गर्त में जाकर जीवन खत्म करने की ओर बढ़ रहे लोगों को भी इससे नया जीवन मिलने के कई उदाहरण पिछले 40 सालों में देखने को मिले हैं। स्वामी सत्सुंदरम बताते हैं कि साल भर यहाँ धार्मिक आयोजन चलते हैं, जिसमें कई हजार लोग शामिल होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी से लेकर न्यायिक सेवा में कार्यरत नेतागण, मंत्री, विधायक और सांसद भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। बीते सप्ताह ही यहां पर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी रामा सुब्रमण्यन भी पहुंचे थे। यही नहीं तीन साल पहले जो यहां पर ब्यास नदी किनारे पूर्णमासी को आरती का आयोजन शुरू किया गया था, वह अब हरिद्वार व वाराणसी का प्रारूप लेने लगा है। अब सरकार का भी ध्यान इस ओर आया है और टूटे फूटे घाटों का भी पुनर्निर्माण शुरू हो गया है। सात जुलाई 1977 को जब ब्यास सतलुज लिंक परियोजना के डहर पावर हाउस में उत्पादन शुरू हुआ था, तो पंडों में बांध बनाकर ब्यास नदी को मोड़ दिया गया था। उसी साल से बरसात को छोड़कर अन्य ऋतुओं में ब्यास नदी का पानी सूख जाने से घाटी की रौनक भी खत्म हो गई थी। अब सरकार यहां पर बांध लगाकर झील बनाने की सोच रही है, तो 4 दशक बाद ये रौनक बहाल हो सकती है व सरकार का शिवधाम स्थापित करने का सपना भी पूरा हो सकता है। स्वामी ने बताया कि श्रावण महीने में जहां अमृतवाणी भजन, सुंदरकांड, सत्यनारायण कथा, ब्यास आरती होगी, वहीं 15 अगस्त को मंदिर में अमरनाथ की गुफा के दर्शन भी करवाए जाएंगे। इस दौरान चंडी पाठ भी होगा। नवरात्रों में रामायण पाठ, महाशिवरात्रि पर 7 दिन तक विशेष आयोजन भी यहां होता है। एकादश रुद्र मंदिर में 11 शिवलिंगों का ये एक समूह है, जिसके दर्शन मात्र से ही भक्त आत्म विभोर हो जाते हैं। कलकल करती ब्यास नदी की धारा की मधुर ध्वनि के बीच परिसर की परिक्रमा में पंचदेव के दर्शन मात्र से ही एक अलग अनुभूति होती है। मंदिर के गर्भ में रुद्राभिषेक व दोनों समय पूजा व आरती का विशेष महत्व है। स्वामी का दावा है कि यदि युवा वर्ग जो आज नशे की गत में जा रहा है, इस जाप से जुड़े और धार्मिक आयोजन में शामिल हो, तो वह न केवल खुद बल्कि अपने दोस्त मित्रों को भी इसके चंगुल से छुड़ाकर एक स्वस्थ व उन्नत जीवन की ओर ले जा सकता है। मंगलवार को शिवमयी हुई छोटी काशी में अब पूरा महीना एक अलग छटा देखने को मिलेगी, जो प्रदेश में शायद ही कहीं देखने को मिलती हो।